क्रूस के ऊपर चढ़ाकर किसी को मौत देना इंसान के द्वारा तैयार किए गए सबसे बुरे तरीकों में से एक था। इस तरीके को खास रूप से अपने शिकार यानी अपने क्रिमिनल को एक धीमी और दर्दनाक मौत से प्रताड़ित करने के लिए एक बनाया गया था, तैयार किया गया था। ये एक सिंबल के रूप में भी काम करता था उन लोगों के लिए, एक चेतावनी के रूप में जो इस रास्ते से होकर गुजरते थे कि अगर वह रोमी हुकूमत को चुनौती देते या इसकी अव्यवस्था पैदा करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। क्रूस के ऊपर चढ़ाकर किसी को मौत देना, इस तरीके से मारने का दर्द इतना तीव्र, इतना इंटेंस था कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक शब्द है और वो शब्द है एक्सक्रूशिएट यानी कष्टदायी। इसका मतलब है बहुत ही तीव्र पीड़ा, बड़ा मानसिक कष्ट, एक मेंटल डिस्ट्रेस, यातना और पीड़ा देना। एक विशेष घटना मसीह यीशु के सूले के ऊपर चढ़ने से ठीक पहले घटी, जिसे अक्सर पढ़ा तो जाता है लेकिन इसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। इसे करीब से देखने पर हम देखते हैं कि ये घटना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण अर्थ यानी मीनिंग रखती है और इसका जिक्र चारों सुसमाचारों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें मरकुस का सुसमाचार सबसे ज्यादा डिटेल्स में हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, प्रभु यीशु को पकड़ा गया, उसे हाई प्रीस्ट के सामने लाया गया, फिर अलग अलग गवर्नर के सामने ट्रायल्स के लिए मसीह यीशु को पेश किया गया। लेकिन इस सारी स्टोरी में, इस सारी कहानी में एक अनयूजुअल करैक्टर, एक इंसान गॉस्पल स्टोरी के बीच में आता है और वो है बरब्बास। यस, उस समय में पिलातुस के लिए फसह यानी पासओवर के दिन एक कैदी को रिहा करने की, आज़ाद करने की एक परंपरा थी, एक कस्टम था और हर साल पासओवर पर एक मुजरिम को आज़ाद किया जाता था। हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 15 और उसके वचन 6 में। तो इसलिए मसीह यीशु के जब ट्रायल्स हो रहे थे तो परंपरा के अनुसार, कस्टम के अनुसार पिलातुस ने बरब्बास को और मसीह यीशु को रिहा करने की पेशकश की। तो पिलातुस ने यीशु में कोई भी दोष नहीं पाया था और वह उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन भीड़ जो कि महायाजकों के द्वारा उत्तेजित थी बरब्बास की रिहाई के लिए चिल्लाने लगी। पिलातुस शायद इस बात से काफी हैरान था और इसलिए उसने 3 बार उनकी चॉइस के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर सवाल उठाया, लेकिन उसने आखिरकार उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। मरकुस और लूका को दोनों सुसमाचार हमें ये बताते हैं कि बरब्बास एक विद्रोही था, एक रेबेल था, वह व्यक्ति जो रोमी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था और एक हत्यारा था। यह संभावना थी कि उसने एक रोमी सैनिक की, सिपाही की हत्या भी कर दी थी। इसके बारे में आप जिक्र को देख सकते हैं मरकुस अध्याय 15 वचन 7 में और लूका अध्याय 23 वचन 18 और 19 में। लेकिन सुनिए, ऐसा ना हो कि आप इसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखना या सोचना शुरू कर दें, कि आप एक इसे सोचें कि एक फ्रीडम फाइटर के रूप में आप इसे देखते हैं। लेकिन हमें यूहन्ना के सुसमाचार में दी हुई डिटेल पर विचार करने की जरूरत है, जो कि ये दर्शाता है कि वह एक चोर भी था, एक हत्यारा था, एक डाकू था, यूहन्ना अध्याय 18:40 के अनुसार। तो सुसमाचार इस आदमी की एक बहुत ही नकारात्मक, एक नेगेटिव इमेज को, तस्वीर को चित्रित करते हैं। वह एक हत्यारा था, एक चोर था, एक कठोर क्रिमिनल था, अपराधी था। मत्ती ने उसे एक नोटोरियस कैदी के रूप में वर्णित किया है, मत्ती अध्याय 27 वचन 16 में। तो दूसरे शब्दों में बरब्बा और उसके अपराध यरूशलम के लोगों के बीच में काफी मशहूर थे, इनफेमस थे। वह एक हाई प्रोफाइल कैदी था। अपने अपराधों के बावजूद बरब्बा लोगों द्वारा रिहा करने के लिए चुना गया। बेशक वह चुने जाने से पहले रोमियो के द्वारा अपने सूली पर चढ़ाए जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसने खुद को आजाद पाया। अगर आप बरब्बा की जगह होते तो आपको कैसा लगता?
आपके दिन गिने जा रहे हैं और आप मौत की सजा पर हैं, उन अपराधों के लिए सूली पर चढ़ने की वेट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आप करने के दोषी हैं। आप जानते हैं कि आप एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करने जा रहे हैं। जैसे ही उस सजा की चिंता आप पर हैवी होने लगती है, आप अपने आप को खाने या सोने में असमर्थ पाते हैं। आपका खाने को भी दिल नहीं करता है। आपके सामने जो आ रहा है उसके बारे में सोचकर आप मेंटली परेशान होने लगेंगे। फिर अचानक रोमी सिपाही आते हैं और आपको आपके प्रिजन सेल से बाहर निकालते हैं। आप सोचते हैं कि आपका समय अब आ गया है कि आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको पीटा जाएगा, नंगा किया जाएगा, लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर कीलों के साथ ठोक दिया जाएगा और धीरे धीरे उस सलीब के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप हैरान होते हैं यह देखकर कि जब आपको पिलातुस के सामने लाया जा रहा है, आप महसूस करते हैं, आप अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि भीड़ आपके नाम का जाप कर रही है और आपकी आजादी की मांग कर रही है। और फिर आपको अधिकारियों के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। आपको पता है कि आप पर आरोप लगाए गए हैं, आपके खिलाफ सारे सबूत बहुत ही भारी हैं। रोमन अधिकारी क्रूर हैं और वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं करते हैं जो इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए दोषी है। भले ही हम स्वाभाविक रूप से बरब्बा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें, लेकिन हम रियलिटी में असल में उससे कहीं अधिक समान हैं जितना हम सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि ये दो आदमी पिलातुस के सामने खड़े हैं, एक तरफ है बरब्बा और दूसरी तरफ है यीशु मसीही। बरब्बा जो कि दोषी था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में हिंसा, विद्रोह और चोरी और खून की विशेषता यानी खासियत थी। लेकिन दूसरी तरफ मसीह यीशु है जो कि निर्दोष थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई वरन दूसरों की चोटों को ठीक किया था। कभी भी अपने मुंह से छल या झूठ नहीं निकलने दिया, कभी चोरी नहीं की और कभी भी किसी सिविल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह को प्रोत्साहित या इसका समर्थन नहीं किया। बरब्बा अपने अपराधों के लिए मरने के लायक था, इसकी बजाय उसे मुक्त कर दिया गया, जबकि जिसने मृत्यु के लायक कुछ भी नहीं किया था उसे मार डाला गया। निर्दोष और मासूम मर गया और दोषी और पापी मुक्त हो गया। द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज टू एम्फसाइज दैट बरब्बास इज सिंबॉलिक ऑफ यू एंड मी। ये सब कहने का मतलब या पॉइंट यहां पर यह है कि बरब्बा आपका और मेरा एक प्रतीक है, हमारा सिंबल है। उस फसे उस पासओवर के दिन बरब्बा के साथ जो भी हुआ उसका ये एक्सपीरियंस उन सभी के एक्सपीरियंस का एक सिंबल है जो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति रिस्पोंड करते हैं। हम बरब्बा हैं, आप बरब्बा हैं, मैं बरब्बा हूं। हम सभी ने कई बार परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय उसके वचन 23 को कि कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सबने। हमारे पापों के कारण हमने अंतिम मौत की सजा कमाई है, जैसे कि लिखा है रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 कि पाप की मजदूरी मौत है। हम बरब्बा की तरह पवित्र परमेश्वर के खिलाफ अपने अपराधों के कारण, अपने गुनाहों के कारण मौत की सजा के लायक थे, क्योंकि हमने मौत को कमाया है, वी हैव अर्नड इट। लेकिन हमारे पास एक उद्धारकर्ता है, यीशु मसीह, जो पूरी तरह से निर्दोष था, बिल्कुल इनोसेंट था, फिर भी हमारे द्वारा किए गए पापों के लिए मर गया। वह हमारे स्थान पर मर गया। बरब्बा की तरह हम उसकी मौत के द्वारा आजाद किए गए हैं। यीशु मसीह कुर्बान हो गए ताकि हमें मौत के डर में जीना ना पड़े।
यीशु की मृत्यु इसलिए हुई ताकि वह और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये हमें देखने को मिलता है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 15 में। पाप और उसकी सजा एक अंतिम गुलामी है जिससे मसीह यीशु मुझे और आपको आजादी और सालवेशन ऑफर करते हैं। सो इस सब को जानने के बाद अब क्या? क्योंकि आजादी एक चॉइस के साथ, एक फैसले के साथ आती है। अपनी रिहाई के बाद, अपने छुटकारे के बाद, आजाद किए जाने के बाद बरब्बास के पास दो ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि बरब्बास अपने इस स्वतंत्रता को, अपनी आजादी का लाभ उठा सकता था, अपना जीवन बदल सकता था, वह अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में सुधार कर सकता था, और ये इंश्योर करने के लिए कि वह सब कुछ कर सकता था कि वह खुद को फिर कभी मौत की सजा पर या पिलातुस की चौखट पर ना लेकर आए। तो ये उसके पास पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि वह अपनी इस आजादी का फायदा अपने पुराने तरीकों पर वापस जाने और हिंसा और चोरी के जीवन में लौटने के लिए कर सकता था। ये रास्ता अंत फिर उसे वापस जेल और सूली पर चढ़ाने की ओर ले जाएगा। बरब्बा ने कौन सा रास्ता चुना? What did Barabbas choose? Well, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। हमें शायद इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि बरब्बा एक हम में से हर एक को रिप्रेजेंट करता है। ये हम सब के ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये मेरे ऊपर निर्भर है कि हम अपने लिए इस कहानी को पूरा करें। पश्चाताप करना और मसीह यीशु के बलिदान को अपने लिए एक्सेप्ट करना हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी देता है। उसके बाद परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यीशु ने अपने चेलों को उसके वचन में बने रहने को कहा। यूहन्ना अध्याय 8 और उसके वचन 31 में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31। तो मसीह यीशु का असल डिसाइपल, असल शागिर्द वह है जो परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार ईमानदारी से जीने के लिए उस्ताद यानी मास्टर की बातों का पालन करता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 4, यीशु ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। परमेश्वर का सत्य हमें पाप से, भ्रम से, गलतियों से और दोष से मुक्त करता है, आज़ाद करता है। सच्चाई केवल ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम विश्वास करते हैं, पर सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें अभ्यास करना चाहिए। फिर से सुनिए इस बात को कि सच्चाई, द ट्रूथ, केवल ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम सिर्फ विश्वास करते हैं, वरन सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना चाहिए। द ट्रूथ इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी बिलीव, इट इज समथिंग दैट वी मस्ट प्रैक्टिस। खुदावंद यीशु मसीह के बलिदान से आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुराने तरीकों पर वापस चले जाएं। इसका मतलब है कि हम जिंदगी जीने का एक नया तरीका शुरू करें। इसका अर्थ है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, रोमियो अध्याय 12 वचन 1 के अनुसार। और इसका अर्थ है कि हर एक विचार को बंधुआई में लाना ताकि वह मसीह की आज्ञाकारिता में रहे। सो जस्ट एज बरब्बास वॉज गिवन फ्रीडम एंड एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ न्यू लाइफ, we also have a chance to be free and live a new life. So, what will you choose? जैसे कि बरब्बास को एक ये आज़ादी दी गई, एक opportunity दी गई कि वह अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कर सके, इसी तरह से मुझे और आपको भी आज़ादी दी गई है, opportunity दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करें। So, what will you do with your freedom? आपको मिली हुई इस आज़ादी के साथ क्या करेंगे? होप यू लाइक द मैसेज एंड होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू थ्रू दिस मैसेज। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह हम सबको संभाल के रखे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आमीन।